नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमारी पहले हम पढ़ चुके हैं, तीन प्रकार की थी। वो तीन प्रकार थे इसके, इन्फिनेटिव, जीरण और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, टू प्लस वर्ब आती है। वर्ब की कई रूप आ सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म आ सकती है। सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जीरण। जीरण क्या होता है? जीरण मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है आईएनजी लगाकर और काम करता है नाउन का। एक बात बस इसके बारे में यह बात याद रखनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और नाउन काम करता है नाउन का और जवाब देगा क्या का। सिंपल। जैसे अगर हम बात करें स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इससे इसी से पूछेंगे सवाल व्हाट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जवाब मिला स्मोकिंग। व्हाट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जवाब मिला स्मोकिंग। अगर हम स्मोकिंग पे देखें तो स्मोकिंग का मतलब है कि ये इस तरह से बना स्मोक प्लस आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब काम करती है नाउन का और नाउन हमेशा जवाब देता है क्या का, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जब जवाब देगी क्या का तो ये होगी जीरण। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। जीरण भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। दोनों में फर्क है, समझने की जरूरत है। जीरण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, काम करेगा नाउन का, जवाब देगा क्या का। ठीक। ये केवल नाउन का काम करेगा, जवाब देगा क्या का, जबकि पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव हो सकता है या कोई वर्ब हो सकती है, ये नाउन नहीं होगा। हर आईएनजी लगा हुआ शब्द पार्टिसिपल नहीं होता और ना ही जीरण होता। जीरण अगर बीच में भी आएगा तो भी जवाब देगा क्या का। सिंपल सी बात, क्लियर। देखो दो सेंटेंस हमारे सामने, आई लाइक टू स्विम और आई लाइक स्विमिंग, दोनों का मतलब ही सेम है। जनरली इन्फिनिटिव को रिप्लेस किया जा सकता है जीरण से, लेकिन कुछ जगह इन्फिनिटिव ही आएगा जीरण नहीं आएगा, कुछ जगह जीरण ही आएगा इन्फिनिटिव नहीं आएगा। ये चीज़ें हमें पढ़नी है। ऊपर वाले सेंटेंस में अगर बात करें, आई लाइक टू स्विम, इसका मतलब मुझे पसंद है। क्या चीज़ पसंद है? तैरना पसंद है। इन्फिनिटिव दर्शाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम को, पर्टिकुलर टाइम। मैं कह दूं आई लाइक टू स्विम इन द मॉर्निंग, आई लाइक टू स्विम इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है कि मैं एक निश्चित समय की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि मुझे मॉर्निंग में स्विम करना पसंद है। बात अब भी यही है कि मुझे तैरना पसंद है। मुझे क्या चीज़ पसंद है? क्या चीज़ पसंद है? तैरना पसंद है, यानी टू स्विम। टू स्विम भी क्या का जवाब दे रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं है। ठीक है। टू आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये हमारा क्या था? इन्फिनिटिव जो हमने पढ़ लिया है, ये हमारा है इन्फिनिटिव।
बिल्कुल ऐसे ही नीचे सेंटेंस है, आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या चीज पसंद है, स्विमिंग पसंद है, तो स्विम प्लस आई एन जी बन गया जेरल्ड। ये भी जवाब दे रहा है क्या का, और ये फर्स्ट टर्म में आई एन जी जवाब दे रही है क्या का, काम कर रही है जेरल्ड का, यानी वो जेरल्ड है, काम कर रही है नाउन का है वो जेरल्ड। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी नहीं है, नाउन का काम कर रही है भले ही, लेकिन ये जेरल्ड नहीं है बल्कि इन्फिनेटिव। ये टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इशारा दे रही है कि हम किसी पार्टिकुलर समय ये काम करते हैं, मुझे पसंद है स्विम करना खाने के पहले या खाने के बाद, ऐसे हम कह दें तो वहाँ पर हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे। नीचे वाले सेंटेंस कह रहे हैं आई लाइक स्विमिंग, बस मुझे स्विमिंग पसंद है, किसी भी टाइम स्विमिंग पसंद है, कोई इसमें पर्टिकुलर वक्त नहीं है कब पसंद है। समझ में आया, यानी इन्फिनेटिव और जेरंड में ये फ़र्क समझ में आया। इन्फिनेटिव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरंड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी काम करता है नाउन का, इन्फिनेटिव भी कर सकता है नाउन का काम, जेरंड भी कर सकता है, लेकिन जेरंड होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब हम ये देखेंगे जेरंड हमारा किस किस रूप में आएगा। इधर देखिए ये सेंटेंस हमारा, आई डू नॉट बिलीव इन टॉकिंग रबिश, मुझे विश्वास नहीं होता है, मैं विश्वास नहीं करता हूं, किस काम में नहीं करता हूं, इन टॉकिंग रबिश। यही से पूछेंगे सवाल, आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट, टॉकिंग रबिश, मतलब इस काम में मुझे बात करने में, इसमें इन इस पूरे शब्द समूह में जो वर्ब है वो केवल टॉकिंग है। ठीक, टॉकिंग को अगर हम तोड़ें तो इसका मतलब ये तो है टी ए एल के प्लस आई एन जी प्लस आई एन जी, ये तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जब करेगी काम नाउन का, जब आप देगी क्या का, तो वो होगा जेरंड। और जेरंड हमारा कभी कभी प्रीपोजिशन के साथ आएगा, जैसे इसमें आया, ठीक, जैसे ये आया आई डू नॉट बिलीव, मुझे मैं विश्वास नहीं करती हूँ या करता हूँ, इन व्हाट, किस चीज़ में, इन टॉकिंग, बातों में विश्वास नहीं करती हूँ, बातें कैसी, रबिश, रबिश में, रबिश बोलने में मुझे, मैं विश्वास नहीं करती हूँ। तो ये देखिए क्या का जवाब दे रहा, टॉकिंग शब्द क्या का जवाब दे रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा आई डू नॉट लाइक, अब ये पूरा नाउन काम कर रहा है ना, रबिश टॉक अगर होता आगे तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है, नॉन सेंस कह देते हम, नॉन सेंस है तो नॉन सेंस टॉक अगर कह दिया तो टॉक नाउन हो गई और नॉन सेंस हमारा एडजेक्ट हो गया। खाली नॉन सेंस की बात चल रही है, लाइक मुझे पसंद नहीं है, डू नॉट लाइक व्हाट, क्या पसंद नहीं है, राइडिंग, घुड़सवारी पसंद नहीं है। तो ये राइडिंग राइड प्लस आई एन जी है, मुझे क्या पसंद नहीं है, जवाब मिल रहा है क्या का, आई एन जी फॉर्म क्या का जवाब दे रही है। ठीक, तो ये जेरंड हो गया, जेरंड हुआ कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज, अच्छा जेरंड हमारा डायरेक्ट जेरंड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे डायरेक्ट इन्फिनेटिव था बिना टू वाला, ऐसे डायरेक्ट जेरंड बिना प्रीपोजिशन वाला, खाली इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव वो खाली जेरंड जेरंड, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है, जैसे आई डू नॉट लाइक, लाइक व्हाट, क्या नहीं पसंद, राइडिंग, तो यहाँ पे इसने काम किया ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट की जगह आया। ठीक, यहाँ है शी इज यूज्ड टू स्विमिंग, इस रूप में भी आता है, टू बी यूज्ड टू आगे हम पढ़ेंगे, टू बी यूज्ड टू बी अकस्टम टू विद ए व्यू टू इन एडिशन टू ओइंग टू प्रोन टू वगैरह, टू के साथ आई एन जी फॉर्म यानी जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। एक रूप जेरंड का ये है शी इज यूज्ड टू, वो आदि है, वो हैबिचुअल है,
हैबिचुअल है, किस काम की हैबिचुअल है? स्विमिंग की हैबिचुअल है वो, तैरने की। ठीक है, क्या आदत है उसकी? आदत क्या है उसकी? स्विमिंग। क्या का जवाब अभी मिल रहा है? तो स्विमिंग ये हो गया हमारा जीर्ण। क्लियर, जीर्ण है ना ये। अब इस रूप में देखें अगर हम, आईएनजी फॉर्म प्लस टू, टू के साथ आईएनजी फॉर्म आई है, इन टू प्लस जीर्ण आया, एक अलग केस है। जीर्ण का इस्तेमाल हम इस रूप में ही पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, है ना। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं टू के साथ आईएनजी फॉर्म भी आएगी कुछ खास केसेस में, जैसे हमने बताया टू बी यूज टू बी अकस्टम टू, ये ऐसी फ्रेजेस हैं, इनके बाद हम टू भी लगाएंगे आईएनजी भी लगाएंगे। ठीक, यहाँ भी ये क्या का जवाब दे रहा है, शी इज यूज टू व्हाट, किस चीज़ की आदि थी वो? आदि है स्विमिंग की, जवाब मिल गया स्विमिंग। यहाँ भी ये जीरेड है। अब देखिए, डांसिंग इज हर हॉबी, व्हाट इज हर हॉबी? डांसिंग। तो ये जो डांसिंग वर्ड है ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ। क्या है उसकी हॉबी? क्या का जवाब दे रहा है? डांसिंग। क्या का जवाब दे रहा? तो नाउन हो गया, और नाउन जब कोई वर्ब और आईएनजी मिला के नाउन का काम करती है तो वो होती है जीरेंड। अब हम ये देखेंगे कि पार्टिसिपल भी आईएनजी से बन रहा था, जीरेंड भी आईएनजी से बन रहा था। हमें अब डिफ्रेंशिएट करना है कि कहाँ वो पार्टिसिपल है और कहाँ जीरेंड है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। अभी तो हमने इन्फिनिटिव पढ़ा, जीरेंड पढ़ लिया। जीरेंड था हमारा वर्ग फर्स्ट में आईएनजी, काम कर रहा था नाउन का। ठीक, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। पार्टिसिपल हमारा तीन रूपों में आएगा, कौन कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा हमारा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से, काम जारी रहेगा, करते हुए, हो करके, होते हुए, ये भाव हिंदी में रखेगा। जैसे वह बीमार है, वह स्कूल नहीं गया, बीमार होते हुए या बीमार होने पर वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, मैंने उसे देखा हंसते हुए, मैंने उसे देखा किस रूप में देखा? हंसते हुए। ठीक, काम जारी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल काम के जारी होने की तरफ इशारा देगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से। अगर हम बात करें आई सॉ हिम गोइंग टू मार्केट, मैंने उसे देखा किस हालत में देखा? गोइंग। ये गोइंग क्या का जवाब तो नहीं दे रहा, ये गोइंग क्या का जवाब नहीं दे रहा, तो ये जीरेंड तो है नहीं। ठीक, ये जीरेंड नहीं है, पार्टिसिपल है। जीरेंड हमारा नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल हमारी वर्ब या एडजेक्टिव का काम करेगी। ठीक, आईएनजी फॉर्म होगी भले ही, लेकिन वो क्या का जवाब नहीं देगी। अगर क्या का जवाब नहीं देती है तो समझो कि वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हमारा दो तरह से बनेगा, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या अगर बी की फॉर्म है तो बी में आईएनजी लगा देंगे, बीइंग होने पर। हम कह सकते हैं बीइंग हंग्री ही एट सम एप्पल्स, बीइंग हंग्री होने पर, भूखा होने पर। तो इसमें जो बीइंग शब्द है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आगे अगर हम आए पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में ध्यान करने की जरूरत है, एडजेक्टिव का काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, और ये बनता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। हालांकि इसकी फॉर्म बिल्कुल अलग है,
लेकिन ज्यादातर ये थर्ड फॉर्म से बन जाता है। कहीं कहीं थर्ड फॉर्म में और पार्टिसिपेट पास्ट पार्टिसिपल में अंतर होता है। जैसे ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये तीन फॉर्म है ड्रिंक की, पीने की। लेकिन अगर हम बात करें ड्रंकन, ड्रंकन जो वर्ब है वो पार्टिसिपल बन जाती है, ड्रंकन पिया हुआ। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम जारी रहता है। ठीक, कैसे काम जारी रहता है? जैसे मैं कहूं बर्निंग ट्रेन, ट्रेन कैसी है? बर्निंग, जल रही है, अभी भी जल रही है, यानी जलती हुई ट्रेन। बर्निंग ट्रेन का मतलब है जलती हुई ट्रेन। राइजिंग सन, राइजिंग सन, सूरज कैसा है? उगता हुआ। तो उगने का जो कार्य है अभी भी जारी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी दर्शाएगा। दोनों में आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये क्या का जवाब नहीं दे रही है। क्या है ये? ये क्या है? ट्रेन, ट्रेन तो जवाब दे रही है क्या का, लेकिन ट्रेन ये कैसी है इसका जवाब दे रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव हो सकता है या वर्ब हो सकती है। ठीक है, राइजिंग सन, सूरज कैसा है? उगता हुआ है, चढ़ता हुआ है। तो ये हमारा, ये वर्ब आईएनजी है भले ही, लेकिन जीरण नहीं है। इस, हाँ, इस राइजिंग में और इस डांसिंग में फर्क है ना। ये भी आईएनजी है, ये भी आईएनजी है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये जवाब दे रही है क्या का, क्या का जवाब दे रही है, तो ये जीरण है। लेकिन ये क्या का जवाब नहीं दे रही है, ये कैसे का जवाब दे रही है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, होते हुए, चलते हुए, जलता हुआ, रोता हुआ, पिटता हुआ, ये सब। ठीक, और जो पास्ट पार्टिसिपल है हमारा, पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। यहां लिख देता हूं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है और काम करता है एडजेक्टिव का। हिंदी में अर्थ निकालते हैं, हुआ, हुआ वा, हुआ वा, हुआ वा, हुआ वा, मतलब जला हुआ। जलना प्लस हुआ वा इज इक्वल टू जला हुआ, यानी जलना प्लस हुआ वा, हमारे यहाँ भाषा में बोली जाती हुआ वा। जलना प्लस हुआ वा, ये बदल जाता है हमारा जला हुआ में, जला हुआ। यानी जलने को कहते हैं बर्न, और बर्न को अगर हम तीसरी फॉर्म में डालें तो ये जाता है बर्नट, बी आर एन टी, बर्नट। तो इस बर्नट का मतलब हो गया जला हुआ, बर्नट ट्रेन, इसका मतलब हो गया जली हुई ट्रेन, जली हुई रेल गाड़ी, जली हुई ट्रेन। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रोकन जग, ब्रोकन जग का मतलब जग कैसा है? टूटा हुआ। ठीक है, डिफीटेड सोल्जर्स, सोल्जर्स कैसे? डिफीटेड, हारे हुए। ठीक है, यानी हार चुके हैं वो। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, काम करता है एडजेक्टिव का। कैसे एडजेक्टिव? देखिए, ट्रेन कैसी है? जली हुई, तो ये जला हुआ। हालांकि ये वर्ब है, बर्नट है तो ये वर्ब, लेकिन काम कर रही है एडजेक्टिव का। और जब वर्ब काम करती है एडजेक्टिव का, और वो भी तीसरी फॉर्म होती है अगर, तो वो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और जब वो काम करती है एडजेक्टिव का और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, तो फिर वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे ये जग, जग कैसा है? टूटा हुआ। अगर मैं कहता गिलास जग,
गिलास जग अगर मैं कहता तो जग कैसा है? जग कैसा है? गिलास का, वो गिलास वो वाला कंटेनर नहीं, कांच का, ये मेटल की बात कर रहा हूँ मैं। जग कैसा है? कांच का जग है ये। तो ये जो गिलास वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, क्योंकि जग के बारे में हमें पता लग रहा है कि जग कैसा, गिलास का है ना, गिलास का जग, गिलास नहीं है, गिलास का जग है, कांच का शीशे का जग है। जैसे ये गिलास यहाँ पे एडजेक्टिव था और ये नाउन भी था, सॉरी गिलास नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे ये कांच की मतलब एक तरह से मेटल की बात कर रहा है। तो जैसे ये शब्द हमारा एडजेक्टिव के रूप में आया था, वैसे ये शब्द हमारा ब्रोकन एडजेक्टिव के रूप में आया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना, इसको कहा गया पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और ये एक वर्ड था, पहले ये नाउन था, लेकिन नाउन यहाँ पे भले ही यहाँ पे ये आया है तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। अब ये इसके बारे में बता रहा है। तो दो चीज़ें क्लियर हुई हमारी, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या बीइंग का इस्तेमाल से बनता है, और पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से और काम करता है एडजेक्टिव का। इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्टिसिपल है वह है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा दो तरह का होगा, एक्टिव वॉइस में भी आ सकता है, पैसिव वॉइस में भी आ सकता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम गौर करें जितनी बार भी परफेक्ट आया है उस सब में ये हैव है जरूर आ रहा है किसी ना किसी रूप में, है ना। हाँ, परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा क्या है, या तो होगा हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, या होगा हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हमारा एक्टिव वॉइस में, और हैविंग बीन होगा हमारा पैसिव वॉइस में। क्लियर। अगर मान लीजिए हम कह दें हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही स्टार्टेड हिज जर्नी। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम कंप्लीट कर चुकने पर, इसका मतलब ये है अपना काम कंप्लीट कर चुकने पर। हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग के बाद आपकी थर्ड फॉर्म ये वाला रूप, ठीक है। इसका मतलब ये तो है कि अपना काम पूरा करने के बाद, बाद का ही तो अर्थ इसमें सारा इसमें शामिल है, तो उसी उसके जब बाद वाला अर्थ शामिल होगा हमारा तो फिर उसमें हमें परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। पास्ट वो परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना कब, जब काम पूरा हो चुका होगा। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही स्टार्टेड हिज जर्नी, ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। यही सेंटेंस अगर हमारा होता पैसिव वॉइस में, हैविंग बीन beaten by his father he left his house। having been beaten by his father, तो देखिए having been verb की थर्ड फॉर्म, having been verb की थर्ड फॉर्म तो हमने to have been verb की थर्ड फॉर्म में पहले पढ़ रखी इन्फिनेटिव में, ये having been है,
काम पूरा हो चुका है पैसिव वॉइस में, क्या? हैविंग बीन बीटन बाय हिज फादर, अपने पिताजी के द्वारा पीटे जा चुकने पर, यानी पीटे जाने के बाद, ठीक है, ही लेफ्ट हिज हाउस, उसने अपना घर छोड़ दिया। अपना काम पूरा करके वह उसने अपनी जर्नी शुरू की। इसका मतलब हिंदी में ये तो है, अपना काम पूरा करके उसने अपनी यात्रा शुरू की, ये तो मतलब है इसका। इस बात को मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी कह सकता हूँ, काम पूरा करके उसने अपने काम, उसने ये काम पूरा कर लिया, ये मतलब वो चला गया कहीं। ये जो वर्ब है ध्यान से समझने की ज़रूरत है, हैविंग कंप्लीट परफेक्ट है, ठीक है, पर ये हमारा जो पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल है, सिंपल। अगर मैं ये कहूँ सीइंग ए लॉयन, देख करके एक लॉयन को, ही रैन अवे विद फियर, वो डर के मारे भाग गया। दोनों सेंटेंस में तो समझनी जरूरत है। इस सेंटेंस को का हिंदी है हैविंग कंप्लीट हिज वर्क, अपना काम पूरा करके वह उसने यात्रा अपनी शुरू कर दी, अपना काम पूरा करके उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी, ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूँ शेर को देखकर, यानी शेर को देखने के बाद, पहले शेर देख लिया तभी तो उसने वो डर के मारे भाग गया। दोनों ही सेंटेंस में लगभग एक जैसी बात कही जा रही है। इसमें काम पूरा करके उसने दूसरा करा, उसने उसने शेर देख करके वो भाग गया। लेकिन मैंने इसमें परफेक्ट का इस्तेमाल किया, परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल। इस सेंटेंस में परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं हो सकता इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा, हालांकि दोनों का हिंदी अर्थ एक जैसा ही है। दोनों में फर्क क्या है? जब कोई काम पूरा होने के बाद दूसरा शुरू हो, दोनों कामों में थोड़ा गैप हो, ठीक, तो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों कामों में गैप है, अगर थोड़ा वक्त है सोचने का अगर, तो परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा, और दोनों कामों में अगर सोचने का वक्त नहीं है, भागम भाग है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो केस है ये ऐसा केस नहीं है, पहले मैंने शेर देख लिया, वो आ गया, शेर को देख लिया कितना वो कहाँ से है, और फिर उसके बाद में भागा, ऐसा नहीं, बल्कि जैसे नज़र पड़ेगी वैसे वो भाग जाएगा। हाँ, दोनों कामों में गैप नहीं है, और जहाँ दोनों कामों में गैप है वहाँ पर भी पार्टिसिपेट लगाएंगे। सूरज निकलने के बाद किसान चला गया, तो सूरज निकलने के बाद किसान, सूरज निकलते ही किसान चला गया, इसका मतलब सूरज निकल चुका था तभी तो गया। ऐसा नहीं है हल्की सी, मतलब ये वो केस नहीं है जैसे ये वाला केस है ना, देखते ही भाग लिया। इसमें दोनों काम साथ साथ होते हैं, भाई देखा उसने और देखते ही भाग गया। और इसमें अगर वो थोड़ा बहुत वक्त भी ले, पैकिंग में टाइम लगाए, रुक सकता है, समझ रहे हैं? दोनों में अंतर समझ में आता है। अब हम सीखेंगे पार्टिसिपल और जीरण में क्या अंतर है, क्योंकि आईएनजी सभी में आ रही है ना। देखो, अब हमने ये सेंटेंस लिखे हैं, इसमें से हमें ये देखना है, जानना है कि आईएनजी तो सभी में आ रही है, हमें ये देखना है कि जीरण कहाँ है, पार्टिसिपल कहाँ है। जीरण का सिंपल से क्लियर कट एकदम पहचान है जीरण की, आईएनजी फॉर्म क्या का जवाब देगी, उससे पूछेंगे क्या का। ये बिना टू के भी आ सकती है, किसी प्रीपोजिशन के साथ भी आ सकती है, सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, जहाँ भी आएगा वहाँ वो जवाब देगा क्या का। जबकि पार्टिसिपल कोई वर्ब होगी या कोई एडजेक्टिव होगा,
ठीक, नाउन नहीं होगा, बस ये बात ध्यान रखना। पहला सेंटेंस है हमारा आई सो हिम, मैंने उसे देखा स्मोकिंग इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में स्मोकिंग करते हुए, मैंने उसे देखा स्मोकिंग करते हुए, क्या का जवाब तूने देना, करते हुए हालत बता रहा है, एक वर्ब एक एक्शन की तरफ इशारा दे रहा है, ठीक है, सीधा सीधा क्या का जवाब तूने मिलना, आई सो हिम व्हाट, मैंने उसको देखा क्या, मैंने उसको क्या देखा, जवाब नहीं मिला स्मोकिंग का, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो जवाब मिला व्हाट का, स्मोकिंग। तो ये स्मोकिंग और ये स्मोकिंग में दोनों में अंतर है, यहां स्मोकिंग है हमारा पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल में आती है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये स्मोकिंग हमारा जीरेंड है, ये क्या का जवाब दे रहा है, ठीक। दूसरा सेंटेंस है सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, तो व्हाट इज बिलीविंग, केवल देखना, केवल देखना मात्र ही विश्वास करना है, तो व्हाट इज बिलीविंग, सीइंग देखना ही केवल, ठीक। अच्छा सीइंग व्हाट, क्या देखना, देख रहे हो तो सीइंग व्हाट, व्हाट इज सीइंग, ये बताओ, देखना क्या है, देखना क्या है, देखना ही विश्वास करना है, तो ये बिलीविंग आ गया, ये भी जीरेंड है, ये भी जीरेंड, ये भी जीरेंड, ये इज हमारा लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, जैसे ही इज हंग्री, दिस इज पेन, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, दिस इज पेन, ये दिस इज खाली पेन, खाली पेन कहते हैं कोई दिक्कत हो जाएगी, दिस इज पेन भी तो एक ही बात हुई, ये दिस इज ए पेन, आई एम ए डॉक्टर या आई एम डॉक्टर, वहां तो समझ में आ गया। ऑल द countable nouns आर preceded विद, preceded by एडजेक्टिव आर्टिकल, ए एन जरूर आएगा उसमें। तो देखिए इसमें दो एडजेक्टिव हैं, दो जीरेंड है, एक तो ये है क्या चीज विश्वास करना है, केवल देखना ही, तो केवल देखने की आ गई है। अच्छा सीइंग इज व्हाट, देखना ही क्या है, देखना ही विश्वास करना है, ये है। ये जो क्रिया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं है, ये बात ध्यान रखना, सीइंग इज बिलीविंग, ये बिलीविंग एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है सेंटेंस, ठीक है, भले ही इसके बाद आ रहा है, ये केस नहीं है कि शी इज बिलीविंग मी, शी इज बिलीविंग, तो इसके साथ बिलीविंग है, ये कंटिन्यूअस है, यानी बिलीविंग का जो काम है अभी जारी है, चल रहा है, ठीक है। ये केस और ये केस अलग हैं, यहाँ पर ये जीरेंड है, वहाँ वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, वो जीरेंड भी नहीं है, वो पार्टिसिपल भी नहीं है, वो फाइनाइट वर्ब की फॉर्म है, वो फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है, हम इधर क्या पढ़ रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं हम। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती थी, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, ये हम उनकी फॉर्म पढ़ रहे हैं, जबकि ये हमारी शी इज बिलीविंग, ये बिलीविंग भले आईएनजी है, ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये ही बता रही है इसके टेंस के बारे में, है ना, इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट आएंगे, देखिए आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ऑफ व्हाट, आई एम टायर्ड ऑफ व्हाट, वर्किंग, मैं थका हुआ हूँ, किस चीज़ से थका हुआ हूँ, ऑफ व्हाट, ऑफ के बाद व्हाट का जवाब क्या दे रहा है, वर्किंग, मैं वर्किंग से टायर्ड हो चुका हूँ, तो ये क्या बताए, जीरेंड है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल है जीरेंड, जीरेंड है, क्योंकि जवाब दे रहा है आई एम टायर्ड ऑफ व्हाट, किस चीज़ का, वर्किंग का, तो क्या का जवाब मिला, तो ये वर्किंग हमारा हो गया जीरण,
क्लियर। वी फाउंड हिम वर्किंग, हमने पाया उसको, किस हाल में पाया ये बताओ, काम करते हुए, कि ही वॉज वर्किंग। ये वर्किंग क्या का जवाब नहीं दे रहा है, मैंने उसको पाया, कुछ करते हुए पाया, क्रिया हो गई, नाउन तो नहीं हुआ, क्या का जवाब तो नहीं मिला। ये वर्क में और ये इस वर्क में अंतर है, मैं टायर्ड हूँ एक चीज़ का किस चीज़ का, वर्क का, वर्किंग का, यहाँ जीरण था ये, लेकिन यहाँ पर वी फाउंड हिम वर्किंग, हमने पाया उसको वर्क करते हुए, यानी एट द टाइम ही वॉज वर्किंग, उस समय वो वर्क कर रहा था, तो ये क्रिया हो गई, नाउन तो नहीं हुआ, जीरण हुई है, पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल हुआ, कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिल्कुल सही। अगर मैं इस वर्क को सेटिस बोल रहा हूँ, मैं कहूँ आई एम वर्किंग फॉर अंडरडॉग्स, आई एम वर्किंग फॉर अंडरडॉग्स, मैं दलितों के लिए काम कर रहा हूँ, तो वर्किंग फॉर, तो वर्क जो वर्क आई एन जी फॉर्म आई है वर्किंग, ये क्या है, जैसे सेंटेंस है हमारा, दिमाग का इस्तेमाल करो सब जरा, आई एम वर्किंग फॉर द अंडर डॉग्स, देखो अंडर डॉग्स नाम भी कितना बढ़िया रखा, अंडर डॉग्स, दलितों का नाम रखा है अंडर डॉग्स। एक बार एक आई थी फिल्म स्लम डॉग द मिलियनेयर, है ना, वो स्लम डॉग यानी वो लोग थे जो स्लम्स में रहते हैं, वो भी दलित ही, वो समाज का वो तबका था, स्लम डॉग्स कहते हैं जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, अंडर डॉग्स कहते हैं वे लोग जो दबे हुए होते हैं, और वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, जो दो दलों के बीच में पिसता है, जो भी किसी भी जाति का, मान लीजिए मेजॉरिटी में अगर कहीं एक पर्टिकुलर बिरादरी है मेजॉरिटी में, तो जो माइनॉरिटी में होती है वो थोड़े दबे हुए रहते हैं, चाहे कितनी ऊंची उसकी कास्ट हो। तो जो दो दलों के बीच में दला जाता है उसको हम कहते हैं दलित, और इंग्लिश में उसका नाम है अंडरडॉग्स, डाउन ट्रॉडन, डाउन ट्रॉडन मतलब पैरों तले कुचले हुए, कितना बदतमीज नाम अंग्रेजों ने दिए हैं, पैरों तले रौंदे हुए, डाउन ट्रॉडन। ट्रीड का मतलब होता है पैरों तले कुचलना, ट्रीड करना, और ट्रॉडन कुचले हुए, कौन सा पार्टिसिपल, फर्स्ट पार्टिसिपल, डाउन ट्रॉडन मतलब नीचे कुचले हुए, ठीक है, यानी समाज का वह तबका जो दो दलों के बीच में पिस जाता है, प्रताड़ित होता है, उसे कहते हैं। तो सेंटेंस है आई एम वर्किंग फॉर द अंडरडॉग्स, मैं काम कर रहा हूँ अंडरडॉग्स के लिए। तो यहाँ पर जो वर्क है ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट, ये बताइए, ये फाइनाइट वर्ब है, अगर अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है अब तक की पढ़ाई का, ये फाइनाइट वर्ब है। ये वर्किंग और ये वाली वर्किंग, इनमें फ़र्क है, ये जीरण था, नॉन फाइनाइट वर्ब थी, ये पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। आगे अगर आए हम तो ही वॉज पनिश्ड, पनिश किया गया उसको, देखिए कारण बताया गया, फॉर, ये चीज हमने पहले ही पढ़ ली है, फॉर प्लेइंग केयरलेसली, लापरवाही से खेलने की वजह से उसको पनिश किया गया, ठीक है। ही वॉज पनिश्ड फॉर वाट, फॉर के बाद वाट क्वेश्चन पूछेंगे इससे, ही वॉज पनिश्ड फॉर वाट, फॉर वाट, फॉर वाट, प्लेइंग केयरलेसली, तो ये भी देखिए जवाब देना क्या का, ही वॉज प्लेइंग फॉर वाट, प्लेइंग केयरलेसली, ही वॉज पनिश फॉर वाट, प्लेइंग फॉर केयरलेसली। तो ये जो प्लेइंग वर्ड है आई एन जी है भले ही, लेकिन ये क्या है, क्या का जवाब दे रहा है, तो ये क्या बना, जीरण बना। नेक्स्ट सेंटेंस देंगे, दे वर सीन, उनको देखा गया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव फॉर्म, दे वर सीन, उनको देखा गया, क्या देखा गया, किस हालत में देखा गया, प्लेइंग, खेलते हुए देखा गया, यानी दे वर प्लेइंग देन, काम कर रहे थे ना, वे काम कर रहे थे ना,
यानी काम जारी था, क्रिया हो गई, नाउन तो नहीं है। इसी से देवर सीन वाट, उनको देखा गया क्या, क्या देखा गया, उसको जवाब नहीं मिला ना, किस हालत में देखा गया, खेलते हुए, ये बात पता लगी। तो किस हालत की बात, पार्टिसिपल, ठीक है। राइडिंग ही फेल, देखो राइडिंग ही फेल, राइड करते हुए वो गिर गया, ऑफ नीचे द हॉर्स, ऑफ ऐसी प्रीपोजिशन है जो अगर कहीं भी आएगी, अगर याद भी ना हो तो कल लगा सकते हैं, किसी चीज से अलग होने के भाव में, दूर जाके पढ़ने के भाव में, ऑफ ओ डबल एफ वाला। तो राइडिंग ही फेल, घुड़सवारी करते हुए, राइडिंग करते हुए ही फेल ऑफ, वो दूर जाके गिरा, खाली फेल गिर गया, फेल ऑफ दूर जाके गिरा द हॉर्स, हॉर्स से, ठीक। अब इसमें जो वर्ड आया है राइडिंग, इसको हमें देखना है, ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट, ये बताइए। ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट तो इसमें ये है ना, ये नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट तीन होती हैं, ये कौन सा रूप है, ये जीरण है या पार्टिसिपल, दिमाग का इस्तेमाल करना, जीरण जवाब देगा क्या का। राइडिंग ही फेल, इसका इतने का क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आया अभी तक, एक कोई एक बोलो, राइडिंग ही फेल, तीनों तुम तीनों में से कोई एक बोलो, राइडिंग ही फेल, बताओ। घुड़सवारी करते हुए, यानी वो कर रहा था ना, तो क्या का जवाब नहीं दे रहा ना, ये राइडिंग, और अभी एक सेंटेंस आया था राइडिंग का, राइडिंग इज हिज हॉबी, राइडिंग इज हिज हॉबी, राइडिंग उसका हॉबी है, तो व्हाट इज हिज हॉबी, राइडिंग, तो वहाँ राइडिंग वहाँ चिरण था, लेकिन यहाँ राइडिंग का राइड करते हुए, ते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपेट है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपेट, क्लियर। ये देखें, आई प्रीफर व्हाट, स्विमिंग, प्रीफर के बाद जीरण आता है, ज़्यादा माना जाता है, अच्छा जीरण, आई प्रीफर, मुझे ज़्यादा पसंद है क्या, स्विमिंग पसंद है, क्या पसंद है, तो क्या का जवाब मिल रहा है, जीरण है या पार्टिसिपल, जीरण है। टू किस चीज़ के, राइडिंग, राइडिंग के मुकाबले मुझे स्विमिंग पसंद है, ज़्यादा पसंद है, तो ये भी क्या का जवाब दे रहा, स्विमिंग, और ये भी क्या का जवाब दे रहा। इसमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, अगर सेंटेंस में अगर हमारा प्रीफर आए, जूनियर सीनियर प्रीफर इन्फीरियर सुपीरियर अगर आते हैं, तो देन नहीं आता, उसमें टू आता है, देन नहीं आता, उसमें टू आता है। एक और बात, टू से इधर जो रूप आया है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का, वही रूप हमारा टू से इधर वाला आएगा, है ना, ये बात ध्यान रखना। इट इज बेटर टू स्लीप देन टू ओबे, इट इज बेटर टू स्लीप, टू स्लीप आया, देन टू ओबे, देन ओबे नहीं, इधर भी उतने ही उधर भी उतने ही, बैलेंस्ड आना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा था, आई प्रीफर व्हाट, स्विमिंग, टू व्हाट, टू किसके लिए, टू राइडिंग, राइडिंग के मुकाबले मुझे नहीं, तो दोनों ही ये जो वर्ब आई है ये जीरण, ठीक है। माई प्लांट्स, मेरे प्लांट्स नीड, नीड को जरूर, नीड के बाद जीरण आता है, ध्यान रखना। माई प्लांट्स नीड, मेरे प्लांट को जरूरत है, प्रेजेंट एमिटेंस, बहुवचन इधर प्लांट्स था, नीड आया केवल, मेरे प्लांट्स को आवश्यकता है किस चीज की, किस चीज की, ट्रिमिंग की, नीड्स व्हाट, ट्रिमिंग, उसको जरूरत है, क्या जरूरत है, ट्रिमिंग की जरूरत है। तो बताइए जीरण या इन्फिनेटिव, जीरण। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, अच्छा देखिए कुत्ते कैसे, कुत्ते
भौंकने वाले कुत्ते एडजेक्टिव बन रहा है, नाउन तो नहीं है, ठीक है, नाउन तो नहीं बन रहा ना, तो ये जिरेंट तो नहीं हुआ, क्या है ये? पार्टिसिपल। और अगर मैं ये कह दूं पार्किंग इज हर हैबिट, बार